नमस्कार, मैं हूं श्री उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर के प्रायोजक हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। नांदेड़ जिले के किनवट पुलिस थाने के 2 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। उन पर अवैध धंधों से संबंध होने का आरोप लगा है और इस आरोप में उनका तबादला पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया है। अधिक जानकारी लेते हैं खबरदार संवाददाता राशिद फजलानी जी से। राशिद जी, ये दोनों पुलिस कर्मियों पर किस तरह के आरोप लगे हैं? फौरन तत्काल उनका तबादला पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया है। जी महेश जी, नांदेड़ जिले के किनवट तहसील के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सदाशिव चौधरी जी 27 अगस्त की देर रात 12 और 1 बजे के दरमियान पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान माहौर किनवट सड़क पर कमठाला नामक गांव है, गांव के पास किनवट की ओर आ रहे ऑटो क्रमांक MH26BD0716 जो तेज रफ्तार से आ रहा था, ऑटो चालक संदिग्ध भूमिका देखते हुए चौधरी जी ने उसे रोककर ऑटो को खंगाला। इस दौरान ऑटो में RK कंपनी का अवैध गुटखा जिसकी कीमत 76,000 आकी गई है, ऑटो चालक ताज मोहम्मद के पास से 2 मोबाइल, ऑटो समेत गुटखा करीब 2,00,000 रुपए की सामग्री जब्त की थी। जब ऑटो चालक ताज मोहम्मद ने कहा कि आप क्यों पकड़ रहे हैं, मैं तो आपके पुलिस कर्मचारी किरण चौहान से बात करके गुटखा लाया हूं और मैं हमेशा उनके साथ बात करके ही काम करता हूं और उन्हें हत्या भी दे दिया है, तब पुलिस उपाधीक्षक सदाशिव चौधरी जी को और संदेह हुआ और उन्होंने ऑटो चालक ताज मोहम्मद समेत रईस मिर्जा नामक जो व्यक्ति साथ में था, इन दोनों को पुलिसिया तरीके से अपने अंदाज में पूछा तो वहां तोते की तरह बयान करते हुए कहा कि हम अवैध काम में किनवट पुलिस को मोटी रकम देते हैं और वहाँ पुलिस कर्मचारी किरण चौहान के जरिए से दी जाती है और हम कई महीनों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही यहाँ गुटखा सारखन स्थित असलम शेख नामक व्यक्ति से लेकर किनवट स्थित आसिफ लाला नामक व्यक्ति को लाकर दे रहे थे। साथ ही पुलिस कर्मचारी से फोन पर हुई लगातार बातचीत भी बताई। तब पुलिस उपाधीक्षक सदाशिव चौधरी जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपी समेत गुटखा और ऑटो पुलिस थाने में जमा करते हुए किनवट पुलिस थाने की स्टेशन डायरी में सभी घटनाक्रम लिखते हुए किरण चौहान की काली करतूत को भी उस डायरी में दर्ज कर दिया। जिसके बाद एक घटना के दौरान नांदेड़ के वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉक्टर अक्षय शिंदे जी किनवट आए थे, तब उन्हें किनवट के सभी पत्रकारों ने इस बात से अवगत कराया तो हमसे बातचीत में उन्होंने बताया कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की खैर नहीं की जाएगी और मामले की रिपोर्ट पेश करने के आदेश सदाशिव चौधरी जी को दिए और एक गोपनीय रिपोर्ट सदाशिव चौधरी जी द्वारा नांदेड़ पहुंचने के बाद नांदेड़ जिला पुलिस अधीक्षक संजय जाधव जी ने किनवट पुलिस थाने के कर्मचारी किरण कैलाश चौहान समेत दूसरे कर्मचारी गजानन रामदास चौधरी को दोषी बताते हुए नांदेड़ हेडक्वार्टर मुख्यालय में तुरंत भेजने के आदेश जारी करने से किनवट पुलिस थाने में हड़कंप मच गया है। महेश जी, अगर इन दोनों पुलिस कर्मचारियों की गोपनीय जांच की गई तो इनके अवैध काम करने वाले के साथ गहरे संबंध और कुछ कामों में इनकी भागीदारी भी निकल सकती है। बहरहाल जिला पुलिस अधीक्षक संजय जाधव जी मुंबई से बदली होकर नांदेड़ आए हैं, पदभार संभालते ही कुछ पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है और वहां जिले के 36 पुलिस थाने को सक्षम और चुस्त दुरुस्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वहां जल्द ही किनवट पुलिस की बिगड़ी छवि को सुधार देंगे। तो इनका तबादला किया गया है, क्या इस मामले में जांच होगी और इन पर अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी की जाएगी, निलंबन या दूसरे तरह की कानूनी कार्रवाई? जी बिल्कुल महेश जी, अभी इनको तुरंत यहां से हटा दिया गया है, इनके संबंध जो अवैध कारोबारियों के साथ थे उनसे अभी उनको अलग कर दिया गया है, पनिशमेंट के तौर पर उनको मुख्यालय में बुला लिया गया है और अब इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक और डॉक्टर अक्षय शिंदे जी भी अगर दिल पर लेते हैं, अगर निष्पक्षता से जांच होती है तो ये 2 पुलिस कर्मचारियों की कई अवैध कारोबारियों के साथ भागीदारी निकल सकती है और उनके गहरे संबंध निकल सकते हैं और उनके अगर प्रॉपर्टी की भी अगर जांच करेंगे तो उनके कई प्रॉपर्टी जमा होने की भी बात सामने आ सकती है और उसके बाद उन पर निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है और सेवा उसमें से बर्खास्त करने का भी जिला पुलिस अधीक्षक सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए राशिद फैजानी जी। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।